दिल्ली के भारत मंडपम में कल से शुरू होने जा रहे 43वें ट्रेड फेयर को लेकर इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, पूरी कर दी गई हैं। ट्रेड फेयर की तैयारियों का भारत मंडपम जाकर संवाददाता विशाल सिंह ने जायजा लिया, तस्वीर देखिए। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप एक बोर्ड लगा देख सकते हैं, ये बोर्ड उसी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का है, ट्रेड फेयर, जो कि हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाता है। बता दें आपको, 14 तारीख से 19 तारीख तक जो है ये स्पेशल बिजनेस विजिटर्स के लिए खोला जाएगा, और वहीं 18 तारीख के बाद से यानी 19 तारीख से 27 तारीख तक सामान्य जनता के लिए, आम जनता के लिए ट्रेड फेयर खोला जाएगा। इसकी एंट्री जो है वो गेट नंबर 3, 4, 6 और 10 से जो है आम पब्लिक वो कर सकेगी, और ये इसी भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जो है 31 राज्य इसमें जो है शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ फोकस राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य जो है इसमें फोकस राज्य पर रहेगा, वहीं साझेदार राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार, और इसी के साथ साथ दिल्ली समेत अन्य राज्य जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन सभी के स्टॉल, उन सभी की झलक देखने को मिलेगी। और अगर थीम की बात की जाए तो इस बार विकसित भारत एट 2047 की थीम की तर्ज पर जो है ट्रेड फेयर मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ कल जो है इसका उद्घाटन होगा, उद्घाटन सेरेमनी बता दें आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 10 सुबह 10 बजे करी जाएगी भारत मंडपम के इसी प्रगति मैदान में। मुकेश के साथ दिल्ली से 20 के लिए विशाल सिंह।